देखते बेटा, आज हमारा वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हम, चैप्टर नंबर 3, क्लास 11, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। इस चैप्टर के पहले पार्ट की वीडियोस आ चुकी हैं आपके पास। अब सेकंड पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। हमारा सेवंथ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ये देख लेते हैं। देखो जी, ये कहता है, सपोज करो आपने कोई लैंड परचेज किया 10 लाख रुपए। कितने का परचेज किया जी? 10 लाख। आपकी तरफ से उस लैंड की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख रुपए के लैंड की कॉस्ट हो गई। अब बेटा आफ्टर वन ईयर, मैंने एक एग्जांपल लिया है जी, आफ्टर वन ईयर मान लेते हैं उस लैंड की वैल्यू 12 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 लाख उस लैंड की मार्केट वैल्यू हो जाती है जी। 12 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है, तो क्या हम उसको 12 लाख रुपए में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम उसको 12 लाख में नहीं करेंगे। कितने में करेंगे? 10 लाख का ही रहने देंगे। यही हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या फिर कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। वो ये कहता है कि जितने अमाउंट की आपने कोई एसेट परचेज करी है, उसके बाद चाहे उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको उसी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे, उसी कॉस्ट के ऊपर कंटिन्यू करोगे। वो इस बात के लिए कभी मना नहीं करता कि आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे जी, लगाओगे। सिस्टमेटिकली आप हर ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू कम करते रहोगे, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे उसकी कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्लियर जी? अब देखते हैं हमारा एट्थ कंसेप्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हमारा एट्थ प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा है जी? मैचिंग प्रिंसिपल। आप मैचिंग प्रिंसिपल समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। देखो ये मार्कर है मेरे पास, मैंने इसे मार्केट में सेल किया 10 रुपए में, तो 10 रुपए सेल किया, मुझे क्या हुआ? 10 रुपए का रेवेन्यू हो गया। 7 रुपए का मैंने ये मार्कर मार्केट से परचेज किया था, दैट मींस के मैंने एक्सपेंस जो लगाए वो कितने लगाए? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हो गया कैसे? 10 रुपए में मैंने मार्कर सेल कर दिया, 7 रुपए का मैंने परचेज किया था, 3 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो मैंने अपने रिवेन्यू में से एक्सपेंस को हटाया तो क्या निकल गया? प्रॉफिट। यही होता है बेटा जी मैचिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे होता क्या है कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड के रिवेन्यू को, के जो आपने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिवेन्यू दिखाया या कमाया, उसको अपने एक्सपेंसेस या अपने एक्सपेंडिचर के साथ आप क्या करते हो? मैच करते हो जी। आपने एक साल के अंदर जो कमाया और उसी के खर्चों से आप उसको क्या करते हो? मैच। और ये फाइंड आउट करते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कह देते हैं जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन सा कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। क्या है जी? ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी। मतलब ये होता है कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर कोई भी अगर आपकी ट्रांजेक्शन है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट है क्रेडिट। मतलब जितने अमाउंट का आपके पास डेबिट होगा उतने ही अमाउंट की आपके पास क्रेडिट भी होगा। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं बेटा? डेबिट और क्रेडिट आपके लिए साइड्स के नाम है, ठीक है। और अच्छे से सिंपल भाषा में देख लेते हैं। आप एक एग्जांपल मान के चलो, आप एक मार्केट से एक मशीन परचेज करते हो, तो जी हुआ क्या, आपके पास मशीन आई, मशीन इन, और जो भी आपकी जेब में कैश था वो क्या हो गया? आउट, चला गया। ऐसे तो होता है जी, मार्केट से मैंने मशीन ली, मशीन आई और पैसा चला गया। और अगर आप मार्केट से मशीन लेते हो पैसा भी नहीं देते हो तो भी आपका क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है, क्योंकि आपने उसको पैसे देने हैं।
आप बिजनेस अकाउंटिंग की कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो उसके दो एस्पेक्ट होंगे ही, जितने अमाउंट का आपका डेबिट होगा उतने ही सेम अमाउंट से आपके क्रेडिट भी होगा। वहां पे अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं कि ज्यादा हो जाए, लेकिन जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब यही है कि हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट है जी, दो एस्पेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। क्या है जी? रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको क्लियर करता हूं। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दो वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला वर्ड है रिवेन्यू और दूसरा वर्ड है रिसिप्ट। क्या है जी? पहला वर्ड है आपके सामने रिवेन्यू और दूसरा वर्ड है आपके सामने रिसिप्ट। रिवेन्यू और रिसिप्ट दोनों बेटा अलग अलग कंसेप्ट है। कई बार वो दोनों एक भी हो सकते हैं और कई बार वो अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे? मान के चलो आपने मार्कर सेल किया 10 रुपए में, तो मार्कर सेल किया, मार्कर गया, आपको तभी पैसे मिल गए, तो भाई जितना आपने रिवेन्यू अर्न किया वो आपको रिसिप्ट भी हो गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझना। मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को मैंने 2 लाख रुपए की सेल कर दी, ठीक है जी, और जो सामने वाली पार्टी है वो कहती है हमारे पास अभी पैसे है नहीं, हम आपको 1 मई 2019 को पैसे दे देंगे। तो जिस दिन आपने सेल करी ना, आपका रिवेन्यू उसी दिन जनरेट हो गया, आपको रिसिप्ट से मतलब नहीं है। आप जिस दिन सेल करी आप उसी दिन उस चीज को अपना रिवेन्यू कंसीडर कर लेते हो। तो आपका जो रिवेन्यू बन गया वो 1 अप्रैल 2019 को बन गया, और जो रिसिप्ट हुई वो आपको कब मिली? 1 मई 2019। तो रिसिप्ट मैटर नहीं करती बेटा, आप अगर अकाउंटिंग फॉलो करते हो, अकाउंट्स आपको बनाते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि जिस दिन आपका रिवेन्यू जनरेट हो गया आपने उसी दिन अपनी इनकम मान लेनी है। वेट नहीं करना कि पैसा कब मिल रहा है, पैसा तो मिल ही जाना है, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर ए मेरे पास आते हैं और मुझे वो 2 लाख रुपए कैश देते हैं कि जी ये 2 लाख रुपए आप बने मुझसे कैश ले लो। मैंने कहा दे दो जी, मैंने रख लिए। मैंने कहा किस लिए दे रहे हो? कहते जी मुझे ना 2 लाख रुपए के ना मार्कर आप दे देना। मैंने कहा जी अभी तो नहीं पड़े। कहते कोई नहीं, 1 महीने बाद देना। तो मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए मुझे क्या दिए? एडवांस। एडवांस मिलने पे क्या ये पैसा मेरा हो गया? नहीं हुआ। मैं जिस दिन उनको डिलीवरी कर दूंगा, 1 मई 2019 को मैंने उनको सेल कर दी, डिलीवरी कर दी, इस डेट को वो पैसा मेरा हुआ है, ना कि जिस दिन मुझे एडवांस मिला है उस दिन। तो यहां पे बेटा जी रिसिप्ट हुई है 1 अप्रैल को, लेकिन मेरा रिवेन्यू कब मानना है मैंने उसको? 1 मई 2019। तो दोनों एग्जांपल में हमें यह बात समझ में आती है कि रिसिप्ट चाहे बाद में हो चाहे पहले हो मैटर नहीं करती। आपने रिवेन्यू अपना उस दिन कंसीडर करना है जिस दिन आपने उसको सेल किया है, चाहे आपको पैसा बाद में मिले चाहे आपको एडवांस से पहले ही पैसा मिल जाए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है जी। लास्ट कंसेप्ट रह गया हमारे इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं। फाइनल हमारे इस चैप्टर का प्रिंसिपल है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। देखना बेटा होती क्या है। देखो हमने पढ़ा है अकाउंटिंग में हमें हर चीज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। आपकी फर्म में या आपकी कंपनी में कोई ना कोई अकाउंटेंट होगा, कई छोटी फर्म होते हैं खुद ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है जी आप अकाउंटेंट हो, आप हर चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करो, लेकिन हर चीज की रिकॉर्डिंग तब करो जब आपके पास उस ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप किसी भी अमाउंट की रिकॉर्डिंग करते हो, लेट अस सपोज कि आपने कोई 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया है, आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया है, तो ये सामान लिया है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करते 1 लाख की, आप उस 1 लाख का बिल देखो और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करो। दिस इज कॉल्ड वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कि आप जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हो, आप अकाउंट्स के अंदर किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करते हो, तो आपके पास उसको वेरीफाई करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है, ठीक है जी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो अकाउंट होगा वो बिल्कुल फेयर होगा और उसमें किसी भी तरीके के बायस की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी और कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा कि आपने अकाउंट गलत बनाया, क्योंकि आपके पास हर चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखा हुआ है।
ठीक है जी, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी अजम्पशन थी, प्रिंसिपल्स थे, वो सारे हमने एक एक करके समझ लिए हैं। इन सबके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, एप्लीकेशन इंस्पायर अकेडमी की आप डाउनलोड कीजिए और वहां से सारे के सारे नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।